चिलुआताल थाने की पुलिस ने कूट रचित दस्तावेज द्वारा धोखाधड़ी व प्रतिरूपण द्वारा छल कर जमीन का बैनामा करने वाले इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान ब्रिजेश कुमार शाही उर्फ ब्रिजेश कुमार सिंह पुत्र विजय प्रताप शाही निवासी राजेंद्र नगर थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसएसपी ने बताया कि अभियुक्त द्वारा स्थानीय काश्तकारों से उनकी जमीनों का बेचने हेतु एग्रीमेंट कराकर उक्त जमीन पर प्लॉटिंग कर अपने साथियों के साथ ग्राहकों को अपने जाल में फंसाकर मौके पर दिखाई गई जमीन को परिवर्तित कर ग्राहकों एवं काश्तकारों का पैसा गबन करने की नीयत से स्वयं कूट रचित नक्शा नजर तैयार कर ग्राहकों को दूसरे अराजी नंबर में धोखाधड़ी से जमीन कई लोगों को बेचा गया। विक्रय शदा जमीन पर कई वर्ष बीत जाने के बाद भी ग्राहकों को आज तक कब्जा नहीं दिया गया और न ही पैसा वापस किया गया। अभियुक्त के उपरोक्त धोखाधड़ी के कृत्य से पीड़ित ग्राहकों द्वारा थाना स्थानीय व अन्य थानों पर कई अभियोग पंजीकृत कराए गए। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में चिलुआताल थाना प्रभारी जयंत कुमार सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक अमित राय, कांस्टेबल अरविंद कुमार सिंह, ब्रिजेश कुमार यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, आप सभी अवगत हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा धोखाधड़ी करने वाले और विशेष रूप से भूमाफिया के रूप में काम करने वाले अपराधियों के खिलाफ एक सघन अभियान चलाया जा रहा है। उसी की तर्ज पर जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा भी विगत कई महीनों से ऐसे व्यक्ति जो कि जमीनों को दिखा करके किसी और ज़मीन की रजिस्ट्री करना, उसके पैसे ले लेना, संबंधित का कब्जा ना कराना, एक गैंग के रूप में काम करना और आम जनता का पैसा इस तरह से ऐंठने के धंधे में लिप्त है। इसी क्रम में थाना चिलुआताल पे विगत वर्ष ऐसे 5 मुकदमे पंजीकृत किए गए थे, जिसमें ब्रिजेश शाही व उनके गैंग से संबंधित लोगों जिनके द्वारा विगत 10 सालों में यहाँ के कई आवेदकों से पैसा लिया गया, उनको जो ज़मीन दिखाई गई रजिस्ट्री दूसरी ज़मीन की गई और कब्ज़ा किसी का नहीं दिया गया। तो इस तरह से उनको ना तो कब्ज़ा मिला, पैसा भी गया और उसके बाद ये फरार हो गए। मुकदमा लिखने के उपरांत लगातार इनके ऊपर दबिशें दी गई, गिरफ्तारी करने के लिए इनका नॉन अवेलेबल वारंट और आगे की कार्रवाई जो 82 और 83 की होती है वो भी अमल में लाई गई। जो अपराध इनके द्वारा किए गए थे उसकी गंभीरता को देखते हुए 25,000 रुपये का इनाम भी इसके ऊपर घोषित किया गया था। हमारी टीमें जो है ना केवल गोरखपुर में बाकी इनके जो और ठिकाने थे लखनऊ या बुंदेलखंड में, वहाँ पर भी दबिशें दी गई। जानकारी में ये आया कि इनके ऊपर लखनऊ और कन्नौज और अन्य जगह पर भी मुकदमे दर्ज हैं। चिलुआताल पुलिस को इनको गिरफ्तारी करने में सफलता मिली है। इस गिरोह से जुड़े हुए 2 लोगों के ऊपर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। इस गिरोह में और जो लोग हैं उनकी भी जांच की जा रही है, उनके द्वारा क्या उनका रोल रहा है और आगे चल के जो और लोग संलिप्त इसमें पाए जाएंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। इस गिरफ्तारी के बाद इनको जेल भेजा जा रहा है और आगे चल के इन सभी मुकदमों में चार्जशीट लगाने के उपरांत गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और जो अपराध के द्वारा इनके द्वारा संपत्ति अर्जित की गई है उसके ऊपर गैंगस्टर की 14(1) की धारा के तहत उसको कुर्क भी किया जाएगा।